हेल्थ स्पेशल के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। इससे पहले के एपिसोड में हमारी बात हुई थी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद से, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जिनसे बात करके हमने मेंटल अवेयरनेस के बारे में जाना। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीर तुराब, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट है एंड द स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट है। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज के शुमारे में हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं जिनको मोबाइल की इतनी लत लग चुकी है दैट दे आर नॉट एबल टू सोशली एक्टिव, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटीज जो कॉमन बच्चे करते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो फ़ोन है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है, वहीं इस फ़ोन की वजह से हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात है। उसकी वजह क्या है, आइए हम बात करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम में अपना वक्त हमें दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल के बच्चे हैं उनमें ज्यादा ये फोन की एडिक्शन होती है, क्या वजूहत रहती है इसमें? जी, पहले तो वेरी थैंकफुल टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ रेनबो चाइल्ड केयर सेंटर कि आप यहाँ पे आए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं मीर तुराब हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। जैसे आपने बात की स्क्रीन टाइम की, मैं आपको इन जनरल ऐसे बोलूंगा, अगर मैं आजकल 10 बच्चे देख रहा हूँ एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, आई विल सी 10 में से 7 लोगों में स्पीच डिले है। तो स्क्रीन टाइम एक रीजन है, एक आई वोंट से इट इज द ओनली कॉज विच लीड स्पीच इम्पेयरमेंट इन अ किड्स, बट इट इज वन ऑफ द रीजन यू सब ट्रिगर करें एक स्पीच डिले में। सो आप, ये स्पीच डिले क्या है, ये दो टर्म्स है, आपको स्पीच डिले आपको लैंग्वेज डिले, दीज आर एंटायरली टू डिफरेंट टर्म्स। स्पीच डिले इज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक बच्चा है वो ए टू जी बोल लेता है, वो वर्ड्स बहुत क्या बोलते हैं मल्टीसिलेबल्स बोल लेता है, वो शेप्स के बारे में फॉर एग्जाम्पल ट्रेपेज़ॉइड बोल पाता है, वो ऑक्टोपस बोल पाता है, तो इट डजंट मीन कि उसकी वो लैंग्वेज है, दैट इज अ स्पीच, बट उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो स्पीच डिले वो एक ऐसी चीज है, स्पीच डिले बच्चा तो बोल पाता है बट वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता, दैट इज अ स्पीच डिले। लैंग्वेज डिले इज लैंग्वेज, जब हम लैंग्वेज डिले एज अ स्पीच थेरेपिस्ट बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स, वन इज रिसेप्टिव, सेकंड इज एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव इज एक अंडरस्टैंडिंग बच्चे में कैसी है, क्या बच्चा कमांड्स फॉलो कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर बच्चा 2 साल का है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे, हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 2 स्टेप कमांड्स फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, जरा बच्चा ये पेन इधर दे दो, दैट्स अ 2 स्टेप कमांड, वो ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक्सप्रेशन इज 2 साल का बच्चा एक चीज 2 वर्ड्स बोलना चाहिए, 2 वर्ड आर ट्रांस, मामा मुझे ये दो या मामा पेन दो, नॉर्मल माइलस्टोन। जैसे जब माइलस्टोन्स की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि बच्चा चलना स्टार्ट कब कर लेता है, दैट इज अराउंड 15 to 18 months, दैट्स अ ग्रॉस माइलस्टोन। सो व्हेन इट कम्स अबाउट, या इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, सो व्हेन इट कम्स अबाउट स्पीच माइलस्टोन, स्पीच माइलस्टोन्स क्या है, हम बोलते हैं बच्चा जब अराउंड 8 months का वो बैबलिंग स्टार्ट कर लेता है, बच्चा जब अराउंड 12 to 15 months है वो एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स बोलना चाहिए, या बच्चा 2 years का है वो सेंटेंस में बोलना चाहिए, 2 वर्ड अटरेंस या फ्रेजेस में, दिस इज अ नॉर्मल माइलस्टोन। सो व्हेन पेरेंट्स फील कि बच्चा 2 साल का है, व्हेन वी कैन से अर्ली साइंस ऑफ स्पीच डिले क्या है, अर्ली साइंस में आपको ऐसे बोलूंगा, बच्चा 2 साल का है वो बस 2 या 3 वर्ड्स बोल पाता है, बच्चा फ्रेजेस में नहीं बोल पा रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड कमांड्स नहीं कर रहा है, सो दीज कैन बी द साइंस फॉर स्पीच डिले। जैसे आपने कहा स्क्रीन टाइम, यस एज अ स्पीच थेरेपिस्ट मैं यही बोलूंगा कि स्क्रीन टाइम इज वन ऑफ द रीजन टू ट्रिगर कर लेता है स्पीच डिले को। आज डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज आपने बोला कि स्क्रीन टाइमिंग की वजह से ऐसा कुछ होता है, लेकिन इससे पहले के जो बेबीज है उनमें से भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें यही इशू था, इज इट वो इनबॉर्न जिनको होता है, उनमें उस वक्त और इस वक्त में क्या डिफरेंस है? सी, इसको मैं इस तरीके से लूंगा, स्पीच डिले जो है ना, हम कहते हैं कि स्क्रीन टाइम एक रीजन है, बट इट इज नॉट ऑलवेज स्क्रीन टाइम व्हिच लीड्स टू द स्पीच इंपेयरमेंट। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज है, बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ सिंड्रोम उसके, तो वो भी रीजंस हो सकते हैं, इट इज नॉट ओनली कि स्क्रीन टाइम है। जैसे आपने कहा कि पहले भी स्पीच डिले होता था बट अवेयरनेस नहीं होती थी, वो पहले एक मिथ हुआ करता था कि बच्चे को जुबान नहीं है तो हम कहीं पे जुबान डालेंगे किसी स्थान पे वगैरह तो उनको बातें आ जाएंगी, तो ये पहले जमाने का था, तब फोन वगैरह नहीं थे, तो आज के और उस वक्त में जो डिफरेंस है कि आज ये बोला जाता है कि बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइमिंग बच्चा इज लाइक वो सोशली एक्टिव नहीं है, दे आर नॉट एबल टू टॉक। जी
मैं वही कह रहा हूँ कि ऑटिज्म या जो स्क्रीन टाइम है ये आजकल है, पहले फोन्स नहीं होते थे बट तब भी स्पीच डिले होती थी। दैट्स व्हाई पूछा मोस्टली अगर कोई बच्चा या 3-4 साल का होता है वो स्पीच नहीं होता, उनके पेरेंट्स को ऐसे लगता है बिकॉज लेट टॉकर्स, किसी फैमिली मेंबर ने लेट बात की शायद हमारा बच्चा भी लेट बात करेगा, नेबरहुड में किसी ने लेट बात की शायद यही रीजन है। लेट टॉकर एक एंटायरली डिफरेंट चीज है, बट आजकल जो हमें ये देखना है हम जब बात करते हैं इसके लिए आर्टिकुलेटर्स की जरूरत होती है, हमारे लिप्स की जरूरत होती है, हमारे टंग की जरूरत होती है, हमारे हार्ट पैलेट। फॉर एग्जांपल जब बच्चा अराउंड 15 मंथ्स का वो पहला वर्ड सबसे पहले पापा या मम्मा बोलते हैं, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं बाइलेबियल साउंड। बाइलेबियल साउंड की वो साउंड जिसमें हमारे दोनों लिप्स मिलते हैं देन वी प्रोड्यूस द साउंड। तो मोस्टली दैट इज व्हाई बच्चा पहले या तो पापा या मम्मा बोलता है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे में आर्टिकुलेटर्स वीक होते हैं, बच्चे में ड्रूलिंग होती है, वो थूके उसको निकल देती है, हम उसको ड्रूलिंग कहते हैं, उसके ऑरोमोटर स्ट्रक्चर्स कमजोर है, तो वो रीजन है। तो मोस्टली पहले क्या होता था स्क्रीन टाइम नहीं था बट ये डेवलपमेंटल डिलेज थे, ऑरोमोटर स्ट्रक्चर्स so, स्क्रीन टाइमिंग की वजह से सिर्फ स्पीच डिले नहीं हो सकती, ये इनबॉर्न विद इन भी हो सकती है, कभी डेवलपमेंट पूरा नहीं होता उसकी वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे जो कि आज वर्किंग एरा है जिसमें बोथ द पेरेंट्स वर्क टुगेदर, वो एक लक्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं अपने बच्चे को बट दे एंड अप कि जो उनका जो बेबी है वो सोशली एक्टिव नहीं होता है या वो उनके बिहेवियर से तंग आ जाता है, व्हाई इज इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देख लीजिए जो आपने खुद कहा कि वर्किंग पेरेंट्स है या बिजी पेरेंट हम उसको कह सकते हैं, क्या एक नॉर्मल फैमिली की बात करेंगे तो वहाँ पे दोनों पेरेंट्स मदर भी वर्किंग है फादर भी वर्किंग है, फिर उनका कोई बेबी होता है तो वो बेबी जो है कम्प्लीटली अवॉइड होता है, नेगलेक्ट होता है, या कभी कभार क्या होता है कि उसको देखभाल करने के लिए वो मेड को रखते हैं बट उनको ये नहीं मालूम कि इस बच्चे को क्वालिटी टाइम की कितनी ज़रूरत है, इसको सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है इसलिए उसको सोशल एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट्स है, इसको इमोशनल डेवलपमेंट होती है, इसके साथ खेलना है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसको पैम्परिंग करनी है, वो इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ से होती है। इसी तरह से बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, बट जहाँ पे हमारा आज का लाइफस्टाइल है जिसको बिजी पेरेंटिंग हम कह सकते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें इग्नोर होती है ना। तो उस जमाने में क्या करते हैं, या तो पेरेंट्स बच्चे को स्क्रीनिंग का एक्सपोजर देते हैं, इट कैन बी मोबाइल, इट कैन बी टीवी, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो क्या है कि मोटिव एक ही चीज होता है कि बच्चा अच्छे से रहे, बच्चा चुप रहे, सो दैट मैं घर का काम करूं या ऑफिस का काम करूं। तो मेड का भी यही काम होता है कि उसको घर के जो छोटे मोटे चोर्स है लाइक बर्तन धोना, सफाई करना, उस देर तक वही वो भी बच्चे को या तो कोई भी स्क्रीनिंग एक्सपोजर देती है। तो उस स्क्रीनिंग की वजह से हमने क्या देखा कि बच्चा जो है बच्चे के साथ जो उसकी वर्ल्ड है वो कम्प्लीटली फोन होती है तो कम्युनिकेशन कम्प्लीटली कट होती है, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन पे अच्छे खासे असरात पड़ सकते हैं। इस पर सोशल असरात पड़ते हैं, इस पर इमोशनल असरात पड़ते हैं, बिहेवियरल असरात पड़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्पीच लैंग्वेज असरात पड़ता है कि बच्चे बात नहीं करते हैं, बच्चे के कॉग्निटिव असरात पड़ते हैं, सेंसरी इश्यूज बच्चों में पाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब बच्चे इग्नोर होते हैं, अवॉइड होते हैं, या बच्चों को सही परवरिश नहीं मिलती है। तो तब आपने बोला कि सेंसरी जो इश्यूज होते हैं, जो मेंटल जो डेवलपमेंट होना चाहिए ब्रेन का वो कम्प्लीटली नहीं होता है, तो उसमें क्या कुछ दिक्कत आती है बच्चों को स्पेशली? देखिए हमारा जो सेंसरी सिस्टम है हमें पता है कि वी हैव मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स सेंसरी सिस्टम्स, तो ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म बच्चों में डिफरेंट सेंस सेंसरी इश्यूज होते हैं जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में स्टिमिंग कहते हैं। स्टिमिंग होता है एक सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर, बच्चे ऐसे बिहेवियर करते हैं जिनके करने से बच्चों को खुशी मिलती है। सो समटाइम्स दीज बिहेवियर्स आर पॉजिटिव, समटाइम्स दीज बिहेवियर्स आर नेगेटिव। ये बच्चों को बेसिकली सेंसरी नीड होती है। अब इन्हीं चीज़ों को अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, देयर आर सिक्स स्टिमिंग बिहेवियर्स, वन इज कॉल्ड द विजुअल। विजुअल में क्या देखोगे आप, अक्सर जिन बच्चों को ऑटिज्म होते हैं वो ऐसे हाथों को करते रहते हैं या हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, उनका जो विजन होता है वो हमेशा कॉर्नर वाला एक ही साइड से झांकता रहता है। सो ये सारी चीजें आती है विजुअल में, मोस्टली पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, दे आर लाइक दे आर प्लेइंग विद द किड, ये नॉर्मल चीज है। इसी तरह से बच्चे को हमारा जो है ऑल्फैक्टरी है, लाइक बच्चा स्मेल करता है, हर खाना अगर उसको खाना होता है वो पहले चूज ही करता है पीकी के तरह से।
ऑडिटरी होता है, घर में शोर होता है या साउंड कहीं पे ज्यादा होती है, नॉइज ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं ऑडिटरी स्टिमिंग। बच्चे शोर के वक्त कान बंद करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होते हैं उस चीज़ की वजह से, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, सोशल एंजाइटी होती है, एंक्शस हो जाते हैं ना। इसी तरह से बच्चों को जो ईटिंग पैटर्न्स में होते हैं क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं ना, वो क्योंकि वो जब चबा पाते हैं तो दांतों में सेंसेशंस होती है, तो उस मामले में भी दे आर चूजी एंड पिकी, वो कुछ ऐसी सबस्टेंस खाते जिनसे उनको सेंसेशंस नहीं होते। बच्चों को वेस्टिब्यूलर इश्यूज होते हैं, वेस्टिब्यूलर्स में या तो वो जंप करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है, या बैलेंसिंग में इश्यूज है, वो भी इन ऑटिज्म में पाया जाता है। इसी तरह से ऑटिज्म में ये भी पाया जाता है वोकल स्टिमिंग, बच्चे अलग अलग आवाजें निकालते हैं, ठीक है, आप देखोगे ऐसे साउंड्स निकालने जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स दीजिए किस टाइप के। देखिए अक्सर हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे वोकल स्टिमिंग की मैं बात कहूँ, वी हैव सम किड्स हियर, उनमें ये चीज है वोकल स्टिमिंग, तो वो क्या कर सकते, वो अक्सर चिल्लाते रहे, लाइक आई विल गिव द एग्जांपल, कंटिन्यूअसली करते, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, या मल्टीपल साउंड्स बनाते रहते, सो दिस इज बेसिकली, दिस इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। समटाइम्स बच्चे को सेंसरी नीड होती है, ठीक है, तो वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो ये करता है, ठीक है। लाइकवाइज इसमें लास्ट वाला जो सेंसरी है दैट इज टैक्टाइल, बच्चे टच करने नहीं देते है ना, जब उनको टच करते हैं तो दे फील एंक्शस, वो क्राई करते रहते हैं, वो हेयर कट करने नहीं देते, वो नाखून उठाने नहीं देते, उनको जब नहाते हैं तो नहाने नहीं देते। तो ये सारी चीजें सेंसरी डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं जहां भी बच्चे को ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है। लाइकवाइज देयर आर कॉग्निटिव इश्यूज एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स एज़ वेल। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे क्लेम करते हैं कि अब जब हम ऑफिस से आ जाते हैं वी जस्ट गिव अ लिमिटेड टाइम फॉर अवर चाइल्ड, उनको क्या करते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए उनको फोन देते हैं, उस पर हम वही पर्टिकुलर कार्टून, स्पेसिफिक कोई कार्टून से वो देते हैं, उससे हमारे जो बेबीज है उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, क्या ये ठीक है? सी, अगर एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं इसको आंसर दूं, नॉर्मली जैसे हमने कहा पेरेंट्स ने फोन दे दिया, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बच्चा बात कर लेता है बट हमें अंडरस्टैंड ही नहीं होती, वी कॉल इट कार्टून स्पीच है, यूट्यूब स्पीच, बच्चा बात कर लेता है बिकॉज उन्होंने वो इमिटेट, क्योंकि बच्चा ना हर कोई चीज़ अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की भी बात करे पहले इमिटेशन स्किल आती है, तो सेम वे जब बच्चे को एक्सपोजर कार्टून का मिला ही और शी विल ट्राई टू इमिटेट दोज थिंग्स ऑनली, सो इमिटेशन स्किल्स जब उसने फोन से ले ली वो कार्टून है यूट्यूब होती है उसमें वो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी नहीं रखी है, सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टेल पेरेंट्स दैट वी शुड स्टॉप दीस थिंग्स व्हिच कैन लीड स्पीच डिलेइंग किड्स। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि दैट पेरेंट जो ये बोलते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए फोन देना इज ओके, दैट्स आल्सो नॉट ओके। सी, हर एक कहते हैं ना वो एक्सेस ऑफ फनी थिंग इज नॉट गुड, राइट, सो आई विल से अगर वो 5-10 मिनट या 10-15 मिनट फोन दे रहे हैं देर इज नो इशू इन दैट, बट इफ इट इज मोर देन हाफ एन आवर, इफ इट इज 1 hour देन आई विल से दे शुड स्टॉप सच थिंग्स। एंड इज देयर एनी पर्टिकुलर कार्टून और समथिंग दैट कैन हेल्प इन द चाइल्ड ग्रोथ? See, I won't say there is anything like cartoon things which we can give exposure to the kid. We should stop these things. क्योंकि जब हमने cartoon चीजें बच्चों को दी वो imitate करेंगे वैसे. So such things we should avoid. But हमें ये भी मालूम समझना चाहिए as a parent कि बच्चा क्यों करता है ऐसा, ठीक है? There can be only two possibilities. एक ये होता है कि जब बच्चों में IQ level high होती है तो such kids are very explorative and curious in nature. They want to know what is behind this curtain, what is behind the door, what is in the next room, ठीक है, they wants to know, but unfortunately हमारे parents ये चीज understand नहीं करते हैं, क्योंकि बस time manage, हाँ, they provide toys, क्या करते हैं, तुम चाहे ना toys फेंक देते हैं ना, toys खोल देते हैं, break down करते हैं, उनका behavior बहुत ही disorganized होता है, वो चीजें उधर इधर फेंकते हैं, room को mess करते रहते हैं ना, कुछ बच्चे हमने we have seen like this. Sometimes it can be because of कुछ बच्चों में challenges होते हैं, we can say, है ना, ये challenges because of, it can be because of sensory issues, it can be because of बच्चे में hyperactive disorder हो सकता है, तो वहाँ पर भी बच्चे ऐसे behaviors कर सकते हैं, तो जहाँ पर अब हम कहाँ तक इसको normal बोल सकते हैं कि हाँ इसका father भी naughty था, normal हम उसको उस range तक बोल सकते हैं कि जहाँ पे family स्कूल और कम्युनिटी को कोई इशू ना हो, इस हमारा ये जो सेंटर है इट इज़ द अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, हमारा जहाँ तक पॉसिबल होता है टिल द एज ऑफ 5 हम रिकवर कर सकते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे जिनको डिफिकल्टीज दे आर नॉट एबल टू स्पीक, इट डज नॉट मीन दिस चाइल्ड इज डिस, इसको डिसेबिलिटी है ना, बट इफ यू विल गिव हिम द इंटरवेंशन
इसको हेल्प हो जाएगी। किसी बच्चों को डिफिकल्टीज होती है सिटिंग में, इट डज नॉट मीन कि हैज अ डिसेबिलिटी, ठीक है। सो दीज आर द डिफिकल्टीज जो होती है, दे आर रिकवरेबल, वो ट्रीटेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब जहां पे इनबॉर्न डिसेबिलिटीज होती है, ठीक है, अगर वो डिसेबिलिटी किसी हद, हाँ, किस हद तक हम उसको ठीक कर सकते हैं, अगर वो नहीं होगी ठीक, या वो लाइफ डिसेबिलिटी ऑलमोस्ट तो लाइफ लॉन्ग ही होती है, बट हमें अपना साइड से पूरा एफर्ट्स डालना है कि हमें इस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, इसको डिपेंडेंट नहीं बनाना, ठीक है। तो जहां पर ऐसे केसेस है जिनमें डिसेबिलिटी है, देयर वी कैन कॉल देयर स्पेशलिस्ट। देयर आर बेबीज हु आर नॉट एबल टू टॉक, लाइक अगर उनसे कोई सवाल पूछेंगे वो जो नेम या उनके बारे में, वो वही सेम रिपीट करेंगे, दे वोंट बी एबल टू आंसर। तो आप ऐसे बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो, या वो हकलाते हैं आंसर करने में? ये दो डिफरेंट चीज है जो आपने पूछी, दैट आई विल से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट, वी कॉल इट इकोलेलिया। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चा 3 साल का या 4 साल का, मैंने उसको पूछा आपका नाम क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चा आंसर देना चाहिए, नाम, मेरा नाम क्या है, ठीक है। बट रादर देन आंसरिंग वो वापस क्वेश्चन कर लेता है। सो ये एक सिम्टम होता है, एक साइन होता है, वी कॉल इट इकोलेलिया। मे बी ऑटिज्म बच्चे जो आजकल होते हैं उनमें एक सिम्टम या साइन होता है, दैट इज इको, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। या ये तो इमिजिएट भी हो सकता है, या तो ये डिलेड भी हो सकता है। सो इट इज वन ऑफ द साइन, वन ऑफ द सिम्टम विच लीड्स ऑटिज्म इन एन इंडिविजुअल। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा हकलाना, मोस्टली या लेमेंटम स्टैमरिंग, या अपनी जबान में हम उसको स्टटरिंग कहते हैं। बच्चे सोशली एक्टिव नहीं होते, मोस्टली वो हकलाते हैं। एक जेनेटिक भी होता है, आप देखोगे फैमिली मेंबर में किसी को है तो उसके बच्चे को भी हो जाता है, जेनेटिक रीजन एक है जो मोस्टली स्टटरिंग में देखा जाता है। बट यूजुअली इसमें भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं, जो बच्चा अराउंड आई से 0 to 4 years होता है, हम उसको मोस्टली कैटेगराइज एज अ स्टटर नहीं करते, हम उसको बोलते हैं एनएनएम, दैट इज नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। बच्चा क्या कर लेता है, बच्चा फोनीम रिपीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेन बोलूंगा उसको पेन बोल लेता है, उसने फोनीम रिपीट किया, या वो वर्ड रिपीटेशन कर लेता है, मुझे पेन पेन दे दो, ठीक है। सी आई वॉन्ट से कि मोस्टली जो स्टटरिंग है इट इज रिलेटेड टू फोन। स्टटरिंग जो है, देखिए हम जब बात करते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये दोनों मिलते हैं, ओपन होते हैं, देन वी प्रोड्यूस, दैट्स अ वॉइस बॉक्स। हाँ, बट यूजुअली हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं उन बच्चों को लेके जिनको स्टैमरिंग होती है, वो कहते हैं शायद इसमें हर्ट सी प्रॉब्लम है, बट देयर इज नो एनोमली, नो इशू विद द वोकल कॉर्ड्स। इट इज अबाउट द ब्रीदिंग पैटर्न। हम जब बात करते हैं, हम इनहेल करते हैं, एयर वो हमारे लंग्स में चला जाता है, वो एयर हम यूज करते हैं स्पीच प्रोडक्शन के लिए। इट्स अ नॉर्मल स्पीच प्रोडक्शन जब इंसान, बच्चा या अडल्ट बोल लेता है। स्टटरिंग में क्या होता है, इट इज नॉट रिलेटेड टू फोन, इसमें जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं वो रीजन होता है। हाँ, और क्या चीज ट्रिगर कर लेता है, आप एंजाइटी है, स्ट्रेस है बच्चे में, इन सच केसेस उसमें वो ज्यादा एग्जैजरेट होते हैं, बट आई वोंट से कि स्क्रीन टाइम कैन कॉज स्टटरिंग। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, तो पेरेंट्स जो होते हैं जिनको अभी भी नहीं पता होती है कि दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आप कुछ सिम्टम्स बताइए जिससे पेरेंट्स को पता चले कि नहीं, हमारे बच्चे में भी ये दिक्कत है। अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, 3 साल का है या 2 साल का है, 2 words 3 words सेंटेंस में बात नहीं कर पा रहा है, दिस इज एन अलार्मिंग स्टेट कि आपके बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम। आप बच्चे को चिल्लाते हैं, आप उसको बुलाते हैं नाम से, बट अनफॉर्चुनेटली द किड इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, है ना। आप 10 बार बुलाते हैं, 12 बार बुलाते हैं, समटाइम्स आपको लगता है कि किड इज रेस्पॉन्डिंग, पर कभी लगता है आपको किड इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, या सो इट कैन बी, इट इज एन इशू डेफिनेटली, बट अगेन अलार्मिंग साइन है। इट कैन बी द साइन आपके बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है ना, बच्चे को हेयरिंग में इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, क्या बच्चा हमारा सही से सुन पाता है कि नहीं, तभी तो बात कर पाएगा, जब सुनता ही नहीं तो बात कहाँ से कर पाए। वी शुड इमीडिएटली टेक एक्शन, क्या हमने ओई टेस्ट किया है, क्या हमने बेरा टेस्ट किया है, रूल आउट किया है कि बच्चे की हेयरिंग सही है। अलार्मिंग स्टेट अगेन, जहाँ पे आपका बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, एक जगह नहीं बैठ पाता है, चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज करता है, मेस क्रिएट करता है घर में, रूम में बुक्स टेयर कर देता है, अगेन कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। जहाँ पे बच्चा हिट करता है, स्टबर्न है, रोता रहता है, हेड बैंगिंग करता रहता है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, रिपीटेटिव बिहेवियर्स है, अगेन वार्निंग साइन कि समथिंग इज रॉन्ग विद माय किड्स। जहाँ पे स्टिमिंग बिहेवियर्स है, सेंसरी इश्यूज है, जो मैंने आपको कहा कि अगेन वार्निंग साइन। ये सारी, इसके बावजूद और भी साइंस है, या आपको लगता है कि आपका बच्चा
बच्चे को फिजिकल इलनेसेस है, लाइक आपका बच्चा बार बार उसको फीवर चढ़ता है, बार बार बीमार हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, वीकनेस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ईटिंग डिस्टर्बेंस है। आपको लगता है इसके लिए काउंसलिंग के लिए कोई पर्टिकुलर स्कूल होना चाहिए who just can treat the gestures of the children, कैसे बिहेव करना है? Absolutely yes. हमारे यहाँ पे I request, मुझे आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये प्लेस स्कूल में बच्चों के ऊपर सोशल स्किल्स पे काम किया जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग बच्चों में बहुत हेल्पफुल है, बच्चों में रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बच्चों में मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ स्कूल्स नहीं, अगर मैंने वही कहा कि यू आर द फर्स्ट सोर्स, आपके माध्यम से मैसेज आएगी, स्कूल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फैमिलीज इंट्रोड्यूस करेंगे, सो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अबाउट इट। या ठीक है, तो वो चीज है, वो ग्रुप प्लेस कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। बच्चे के ऊपर हमारा यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, हम जब पेरेंट्स एज अ पेरेंट बच्चे को एनरोल करते हैं स्कूल में, सो वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट डे ही शुड राइट ए बी सी डी। नो, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सारी चीजें खुदारा साइड में रखो, ये सीखेगा बच्चे, जस्ट वर्क ऑन द फाइन मोटर ग्रास मोटर स्किल। हाँ, बच्चे के माइंड को बिल्ड करो, कॉग्निटिव ग्रोथ करो बच्चे को, आप उसको फ्रॉम द डे वन प्रेशराइज करते हो, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने दो, लेट हिम प्ले विद द मड, लेट हिम प्ले विद द सैंड, लेट हिम प्ले विद द डिफरेंट टॉयज, लेट हिम प्ले विद दैट जो थेरेपी आती है, लेट हिम एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बट हम नहीं करने देते, वी आर जस्ट टेलिंग हिम फ्रॉम द डे वन, नो नो नो, यू हैव टू लर्न द ए, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन दिस, लाइकवाइज दिस दिस दिस, सो डोंट प्रेशराइज द किड्स, दे विल लर्न, दे विल अचीव देयर ड्रीम, but it is up to us as a parents how we are designing our kids, how we are shaping our kids, so we need to understand it is awareness bahut must hai. ab ek last message aapse jana chahiye kyunki abhi busy parenting ka, to aapki kya message rahegi as parents ke liye? See, I'll just advise them, give a quality time to their kids, theek hai, unko screen se dur rakhe and always consult a professional when they feel any, I'll say few early signs, red flags when we see for a speech delay. आपका बच्चा 2-3 साल का है, सेंटेंस में बात नहीं कर रहा, आपका बच्चा बात कर रहा है बट वो इंटेलिजिबल नहीं है दूसरे बंदे के लिए, आपके बच्चे में स्पीच साउंड प्रोडक्शन ठीक नहीं है, दीज आर द अर्ली साइंस, रेड फ्लैग्स, मे बी आपके बच्चे को स्पीच इश्यूज है, सो फॉर दैट दे शुड कंसल्ट द प्रोफेशनल फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपके साथ एक और नए एपिसोड में, एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।